खबर रीवा से है, जहां विगत कई वर्षों से महाकाल सेवा संघ के नाम से संगठन चलाने वाले देवेंद्र द्विवेदी भाजपा में शामिल हो गए, जिन्हें प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी और रीवा जिले का प्रभारी बनाया गया। उक्त दायित्व तो दिए जाने की खुशी में कोठी शिव मंदिर के पास गरीबों को फल और भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि देवेंद्र द्विवेदी विगत कई वर्षों से जनसेवा में लगे थे, उन्हें मीडिया सह प्रभारी बनाए जाने से पार्टी मजबूत होगी। वहीं देवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि सभी स्वयंसेवी संस्थानों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और एक बार फिर रीवा में भाजपा की 8 सीट में विजय दिलाएं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ भाजपा स्वयंसेवी संगठन के सह मीडिया प्रभारी बनाए गए देवेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी के 24 घंटे चलते ही रहते हैं। अभी तो हमारे आप सबके चिर परिचित और इस स्वयंसेवी एनजीओ के क्षेत्र में जिन्होंने एक रीवा जिले का रीवा संभाग में एक अपनी ख्याति अर्जित की है काम के दम पे, ऐसे देवेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी बनाया गया और रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ आज गरीबों को भोजन वितरण करना है और एक छोटी सी पूजा थी। हम सब यहाँ देवेंद्र द्विवेदी जी को बधाई देने के लिए एकत्र हुए। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी को शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से स्वयंसेवी संगठन प्रकोष्ठ का, मीडिया सह प्रभारी का और रीवा संभाग प्रभारी का यह गुरुतर दायित्व सौंपा गया है। इस पर आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, स्वसहायता समूह है, सबके बीच में हम सभी एक सेतु का कार्य करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी रही है और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो अभी दस्तावेजीकरण मजबूत नहीं कर पाते हैं और वह कमजोर महसूस करते हैं, उनका पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी पुनः रीवा में फिर से पहले की ही भांति 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बनेगी। इस संकल्प को लेकर के स्वयं से भी प्रकोष्ठ आगे बढ़ रहा है। रोटी योजना भी आपकी चल रही है? जी बिल्कुल, जय महाकाल सेवा संघ के सानिध्य में विगत 7 वर्षों से लगातार गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, गर्म और ताजे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उसी तारतम्य पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के और अभी हम सभी गरीबों को पुनः आदरणीय के ही करकमलों के माध्यम से सबको गर्म और ताजे भोजन के पैकेट और फल का वितरण आज हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।